हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है, मैं अपलोड के आ रही हूँ। थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत ठंड लग रही है, अभी रात के 1:15 बज रहे हैं। कल के सारे वीडियोज़ में रिकॉर्ड करके रख देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को सुबह उठने के बाद एक टू एक के बाद एक सारे मैसेजेस मिल जाएँ। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे मैसेजेस चैनल भी हो रहे हैं। सो मैं ना अभी बैठ के ना, मेरे पास दो बूढ़ा स्टैचूज है, बूढ़ा स्टैचू दो है, ठीक है ना। वो बहुत कम उम्र से ना मेरे साथ ट्रैवल करता है। इसके पीछे भी एक ना अमेजिंग सी स्टोरी है, ठीक है ना। इट्स लाइक मैंने ग्रो अप करते वक्त मैंने बहुत सी चीज़ें खोई है। यहाँ तक मैंने अपने मॉम का एक पोर्ट्रेट बनाया था, मेरे सारे ड्राइंग्स गायब कर दिए गए थे, बट ये बूढ़ा स्टैचू हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करता है, ठीक है ना, हर जगह। नाउ मैंने अपने बूढ़ा स्टैचू के सामने बैठ के आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग। हमेशा की तरह मैं बैठ के मेडिटेट कर रही थी एंड द मैसेज केम इन कि मेरी डेस्टिनी। तो अचानक से ना मुझे ख्याल आया कि गौतम बुद्धा का स्टोरी कुछ अलग ही था। नहीं, पूरा वो सिचुएशन प्ले आउट हुआ मेरे सामने। मेरे बचपन की हिस्ट्री बुक के कुछ पढ़ने मुझे याद आ गए एंड आई रियलाइज्ड कि यहाँ पर मुझे एक मैसेज दिया जा रहा है। आज गौतम बुद्धा की तरफ से चैनल मैसेज हुआ है। वो लिटरली अपने लाइफ के डिसीशंस और चॉइसेस के थ्रू कुछ मुझे बता रहे थे और अब मैं आपको बता रही हूँ। नाउ गौतम बुद्ध जब जन्म उनका हुआ था तो एक गुरु ने, ठीक है, बर्थ चार्ट देख, एस्ट्रोलॉजर होंगे उस टाइम के, तो उनके बर्थ चार्ट को देख करके कहा था कि ये बच्चा एक दिन या तो पूरे दुनिया पे राज करेगा एक महान राजा के तौर पे या फिर एक महान योगी बनेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली गौतम बुद्धा के फादर राजा थे और वो प्रिंस, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि गौतम बुद्धा राजा ही बने, पूरे दुनिया पे राज करे, राजा का बेटा राजा बने, राइट। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि गौतम बुद्धा अपना स्पिरिचुअल पाथ ना ले, ठीक है ना। अब राजा और योगी के डिफरेंसेस को देखो, लाइफ डिफरेंसेस को देखो। अगर वो राजा बनते, वो रूथलेस राजा बनते, पूरे दुनिया पे राज करने के लिए उन्हें रक्तपात करना पड़ता, लाइक लिटरली हाथ में तलवार लेकर के न जाने कितने घरों को जलाना पड़ता ताकि वो ताकि वो राज कर सके। लेट्स जस्ट सी अधिपति नॉट बीइंग एबल टू से द वर्ड एनीवेज नहीं बोल पा रही, पेट में आ रहा है, मुंह में नहीं आ रहा है। एनीवेज तो वो राज करने के लिए उसे सारे राज्यों को हराना पड़ता। अब राज्य को हराने के लिए क्लैशेस लगते राज्यों के बीच, राइट, फाइट करते, प्रॉब्ली वो एक राजा बन जाते, बट देन वो दिलों पे राज नहीं करते, है ना। लोग उनसे प्यार नहीं करते, वो विजडम से भरे नहीं होते, लोग उनसे डरते और उनका नाम भी दूसरे राजाओं की तरह ही हिस्ट्री के किताबों में होता कि ही वॉज अ ग्रेट एम्परर और यू नो शहनशाह राजा एंड ऑल दैट स्टफ, महाराजा ऐसे किसी नाम से, इन टाइटल से उन्हें जाना जाता, राइट। पर साथ में बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें भी उनके साथ जुड़ी होती, है ना, लूट पाट एंड एवरीथिंग। बट देन उनके हायर सेल्फ ने और उन्होंने कॉन्शियसली भी योगी होना चुना और आज हम उन्हें बूढ़ा के नाम से जानते हैं, एन एसेंडेंट मास्टर, राइट।
उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, वो लोगों के दिलों में लिटरली जीत हासिल कर चुके हैं, लोग दिल से उनसे कनेक्ट करते हैं, है ना, भगवान का स्वरूप मानते हैं, और हो भी क्यों नहीं, ऑफ कोर्स उस लेवल पे वो डिविनिटी अगर हासिल कर चुके तो ऑब्वियसली वो देव है, ठीक ना। सो ही वॉज एन इनलाइटेंड बीइंग, तो उनकी डेस्टिनी में दोनों ही चीज़ें थी, डिफरेंस सिर्फ उनका चुनाव का था। पहला चुनाव उसका फादर उनके लिए हो करके कर रहे थे, पर एंड ऑफ द डे उनकी डेस्टिनी वही हुई जो उन्होंने चुना। एंड ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनके लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई होंगी या उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई होगी। उनके फादर तो पहले भी उन्हें रोक रहे थे, प्लस उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी था, पूरा का पूरा राज्य था, लोग एक हेडफोन एक मोबाइल फ़ोन से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते, एंड उनके पास पूरा का पूरा बना बनाया राज्य था, उन्होंने कभी एक ग्लास पानी भी खुद से शायद उठा करके पी नहीं होगी, एंड उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, एंड ही वेंट ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ, दैट वॉज टफ एक योगी की लाइफ लाइक दैट, है ना। सो दैट वॉज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके वजह से उन्होंने जो इनलाइटमेंट अचीव किया है दैट प्लेस, जितनी डिफ़िकल्टी उतना ही ग्रेट उनका अचीवमेंट, उतना ही ऊंचा उनका पथ, मेड सेंस। नाउ आई वॉज बीइंग शोन कि बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में उनके किस्मत में बहुत कुछ होता है, पर लोग उसके पीछे मेहनत नहीं करते हैं, उन्हें खो देते, होने के बावजूद भी वो खो देते क्योंकि उसके लिए वो कुछ करते नहीं हैं। एंड कुछ लोगों के किस्मत में बहुत सी चीज़ें नहीं लिखी होती है, लाइक दे वर नॉट सपोज टू गेट इट, पर वो अपने मेहनत से उन चीज़ों को अचीव कर लेते। सो द स्ट्रेंथ ऑफ चॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए किसको तो ये मिलना नहीं था, कहीं पर तो इसके किस्मत में ये लिखा भी नहीं था, लेकिन इफ यू लुक एट द बर्थ चार्ट यू लाइक नहीं तो ये तो उसका करना तो लिखा हुआ तो नहीं था, बट देन हाउ डिड दे स्टिल गेट इट। यहाँ पर इट्स लाइक कोई महान एस्ट्रोलॉजर भी होंगे देख करके सर को जाएंगे कि इसको तो ये नहीं मिलना था तो फिर इसको कहाँ से मिल गया। इट्स लाइक एक कार्मिक अवेकनिंग होगी, बट हो गई क्योंकि उसने अपनी जिद से ही सही उसने चुन लिया, अब उसकी अवेकनिंग हो गई, अब हो गई राइट। सो द पावर बिहाइंड आर चॉइसेस काउंट। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि डिवाइन भी हमारे फ्री विल की बहुत इज्जत करते, वो हमें फ्री विल दे करके रखते कि हम चुन सकते हैं डार्क साइड लाइट साइड, what do we want to go, right या left, what do we want, है ना। so that is one message जो हमारे गौतम बुद्ध की तरफ से आया है कि आपकी लाइफ ऐसी होगी जैसे आप उसे बनाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि ऊंच नीच नहीं होगा, डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी, जितना गिरोगे जितना चोट खाओगे, ऑफ़ कोर्स कोई गिरना चोट खाना पसंद नहीं करता है, ऑफ़ कोर्स नॉट, बट जब आप कॉन्शियसली चुन लेते हो ना कि हाँ ठीक है इसके साथ बहुत डिफ़िकल्टीज आएगा, ये ऐसा पाथ है जो बहुत कम लोग लेते हैं, बट आई स्टिल वॉन्ट टू डू इट क्योंकि मेरा दिल वहीं पर ही खींचा चला जा रहा है, मेरी फुलफिलमेंट वहीं पर ही है, मुझे इसके अलावा मेरे दिमाग में और कुछ सूझ नहीं रहा, आई वॉन्ट दिस वेरी बैड, एंड यू टेक इट, और उसके साथ जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती है आप हेड ऑन उसको लेते हो ना, आपका फ्री विल इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा ना, उसके बाद कोई आपको रोक ही नहीं सकता क्योंकि आप रुकना नहीं चाहते हो ना, उसके बाद आपको कितने भी लोग कितना भी गिरा है इट डजेंट मैटर, आप फिर भी उठ करके चला के चलते, यू विल बी लाइक दैट बिकॉज ये आपका इनर स्ट्रेंथ बोलेगा राइट।
जैसे जैसे आप असेंड करते जाओगे आपका ये इनर स्ट्रेंथ और भी स्ट्रेंथन होता जाएगा, एंड कदम कदम पे आपको ग्रीन लाइट मिलते रहते हैं, तो उसके बाद आप रुकेगा कौन? इट्स सो इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू रेकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर ओन चॉइस और अपने खुद के बोले हुए बात को बैकअप करना. ना कोई मुझे उस दिन कमेंट में पूछ रहा था कि मैम आप आपके अवेकनिंग से पहले आप क्या कर रहे थे. मैं बहुत कुछ कर रही थी एक्चुअली अवेकनिंग से पहले. आई स्टार्टेड ऑफ माई स्टडीज़ ये सोच के कि मेरी मॉम चाहती थी कि मैं सर्जन बनूँ, वो भी हीलर का ही काम है, बट माई मॉम हमेशा चाहती थी कि मैं हीलर बनूँ अकॉर्डिंग टू वॉट शी अंडरस्टूड. ठीक है, ये उनका वो चाहती थी. फिर मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की, फिर ब्यूटिशन की, फिर मुझे बीच में वेड भी बनना था एंड देन फाइनली आई केम इन टू दिस. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं इन सारे कामों में आई वॉज बींग वेरी सक्सेसफुल. ठीक है ना, सब में मेरे ए ग्रेड्स आए हुए थे एंड मैं इन सबको अचीव कर सकती. लाइक आई वॉज गेटिंग माई रिजल्ट जब मेरा अपना सैलॉन भी था, एज अ ब्यूटिशियन, एज अ स्किन थेरेपिस्ट. ब्यूटिशियन करने के बाद आई वॉज कंटिन्यूइंग विद माई स्किन थेरेपी ट्रेनिंग. तो मेरा सैलॉन में मैं तीसरे महीने से प्रॉफिट देखना स्टार्ट कर चुकी थी. लाइक लिटरली अकेले काम करके, मैंने कोई हेल्पर भी नहीं रखा था. सो इट्स नॉट दैट कि आई वॉज नॉट बींग सक्सेसफुल देयर. ठीक है, बस ऐसा मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कि दिस इज़ नॉट इट, कि कुछ तो है जो यहाँ पर मुझे फुलफिल नहीं कर रहा है. देर इज़ समथिंग मोर देन वेर आई एम. ठीक है, ऊपर से कुछ यहाँ पर कांड भी हो रखे थे मेरे कार्मिक्स की तरफ से, बट देन इन सब के अलावा जब मैं ऑनेस्टली अपने आप से पूछी ना, आई वॉज ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ और भी है जहाँ मुझे पहुँचना है. ठीक है ना, सो इट वॉज़ माई इनर कॉलिंग एंड आई रिमेंबर दैट वॉज इन 2015. ठीक है ना, फुल फ्लेजिटली मेरा काम शुरू होने के बाद फिर भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन का लेवल में हिट नहीं करी थी. नाउ जस्ट इमेजिन, मेरा अपना खुद का जगह सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला, बट फिर भी मुझे ऐसा एक कमी सी लग रही थी. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट इट, कुछ और भी है. एंड बाय दैट टाइम मैं ऑलरेडी वो कॉल रिसीव कर चुकी थी एंड आई फॉलोड माई हार्ट एंड आई एम हियर. एंड जो गौतम बुद्ध बोल रहे थे ना कि ही वॉज ट्राइंग टू शो मी द स्ट्रेंथ, कि आप जब कुछ फैसला करते हो और आप अपनी मर्जी से उसको ना बैकअप करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ शायद ये अनजान रास्ता है, शायद ही कोई आपकी हेल्प कर पाए, आप अपने आप को भी ठीक से जान नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, बट आप कोशिश नहीं छोड़ रहे हो एंड आप एक्सेप्ट कर रहे हो सारे डिफ़िकल्टीज जो उसके साथ आता है, तो खुद ब खुद ना रास्ते अपने आप बनने लग जाते, वो दिखना स्टार्ट हो जाता. एंड ही वॉज़ वेरी करेक्ट. आप लोग इन सारे बातों से ना रेजोनेट कर पाओगे. इट्स नॉट दैट, ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे थे वो एक फेलियर था. नहीं, लॉट ऑफ पीपल जिनकी अवेकनिंग होती है वो अपने वो जो भी काम कर रहे होते उसमें वो बहुत सक्सेसफुल होते, बट उन्हें वो सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारा हायर सेल्फ ना स्पिरिचुअल लेवल पे सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा होता है. एंड थर्ड डायमेंशन की कोई भी चीज़, चाहे कितना भी पैसा हम कमा क्यों नहीं रहे हो, अपना जगह क्यों ना, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती है. आई वॉन्ट टू मूव, इट्स बिकॉज हमारे सर के ऊपर ना एक कॉलिंग होता है, एक पर्पस होता है जिसे हमें पूरा करना होता है. लाइक मैं जब आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, देखो रात जाकर भी मुझे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने में, इट्स नॉट दैट कि कई बार हम मुझे तकलीफ़ नहीं होता है. ऑफकोर्स अपना नींद तोड़ करके ये सब करना किसको अच्छा लगेगा, बट देन मैं बहुत पैशनेटली ये कर भी पाती हूँ. अपना 100% मैं हर बार हर वीडियो पर दे पाती हूँ, क्योंकि मेरा दिल है इसमें, क्योंकि इसके साथ एक पर्पस जुड़ा हुआ है. ये सेटिस्फाई करता है मुझे अच्छा लगता है.
जब रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ना, मैं स्क्रीन से आप लोगों की एनर्जी पिक कर पाती हूँ। आई कैन फील यू गाइज, लाइक लिटरली ऑनलाइन आने से पहले मैं आप लोगों की एनर्जी पिक करती हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को क्लैरिटी दे पाती हूँ ना, उसमें एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है। आई फील गुड, आई फील एनर्जाइज्ड। रीडिंग करते वक्त कई बार नेगेटिव एनर्जी पिक करने की वजह से थोड़ा टायर्डनेस भी फील होता है। अटैक्स तो ज़बरदस्त लगी पड़ी होती है, लाइक इवन यू आर वन ऑफ द चोजन वंस, अटैक सबसे ज़्यादा आप पड़ी होगी। जस्ट इट जस्ट कम्स विद इट, ये डिफ़िकल्टीज में से एक इसको लेकर के चलना पड़ता है कि हर इफेक्ट का एक साइड इफेक्ट भी होता है। सो ये प्रोज एंड कॉन्स वाला सेक्शन पहले ही मुझे बता दिया गया था कि क्यों मेरे ऊपर इतना अटैक्स होता है और ये हमेशा क्यों बना रहेगा, वो उसको मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि हाँ ठीक है, उसकी अलग तैयारी करके चलना पड़ता है, बट इट्स फाइन। एंड उसके बावजूद भी लाइक एवरी टाइम योर लाइफ इज़ ऑनलाइन कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट इट्स काइंड ऑफ लिटिल रिस्की एट टाइम्स, बट फिर भी द फैक्ट कि टैरो रीडर्स, हीलर्स, ठीक है, द शामंस एंड ऑल द अमेजिंग ब्यूटिफुल अवेकन सोल्स, डिवाइन सोल्स जो अपना काम कर रहे, द फैक्ट कि हम लोगों के दिलों को, उनके जिंदगियों को, उनके सोल को टच कर पाते हैं ना, इट एक अलग लेवल का ही खुशी मिलता है। सीरियसली द लाइफ चेंजिंग कुछ स्पीकर्स है आउट देयर, लाइक डिवाइन सोल्स है जो लाखों लोगों की जिंदगियां अपने एक एक 15-20 मिनट की स्पीचेस से लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं, लाइक लिटरली उन्हें वेकअप कर देते हैं, उन्हें अवेकनिंग कॉल दे देते हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस टू बी, द इंटायर रियलाइजेशन कि डिवाइन खुद हमें निमित बना कर के है, लाइक हम डिवाइन के निमित हैं एंड वो हमारे ज़रिए लोगों के दिलों को छू रहे हैं। इट्स नॉट इवन लाइक कि हम दिलों को छू रहे, इट्स मोर लाइक डिवाइन हमारे ज़रिए अपने प्रेजेंस को दूसरों की ज़िंदगी में वो है इस बात का एहसास दिला रहे हैं। इट फील्स नाइस, इट फील्स वेरी फुलफिलिंग। लाइक शायद ये खुशी मैंने के 50,000 रुपये हाथ में लेने के बाद भी शायद मुझे ये खुशी नहीं मिलती जो खुशी मुझे आप लोग के कमेंट्स पर के मिलती है। व्हेन यू ऑल से कि मैम आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस क्लैरिटी, वो एक कमेंट पर के आई एम लाइक एक इंसान को भी अगर मैं थोड़ा सा भी हेल्प कर पाऊँ ना, इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज दिस इज लाइफ वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, दीज आर सोल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ये कोई मजाक की बात नहीं है। सो आप लोगों को लाइक लिटरली समझना चाहिए कि आप अगर आप अपना अपने आप को छुपा कर बैठे हो ना कि नहीं मुझे डर लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू हैव अ कॉलिंग ऑन यू, ठीक है, और आपको देखकर आपके बातों से अगर कोई अपने जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है, आप अगर एक इंसान की जान भी बचा सको ना, उसे उसकी मुसीबत से बाहर निकाल सको ना, आपको जो खुशी उस मोमेंट में महसूस होगी, ट्रस्ट मी इट्स आपको ऐसा लगेगा ना जैसे आपको नया जन्म मिल गया। आपकी एनर्जी रिन्यू हो जाएगी क्योंकि आप अपना पर्पस पूरा कर रहे हो। सो प्लीज डोंट हाइड योर सेल्फ, बी देयर व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी देयर फॉर समबडी। आपको अलग से किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट बी योर सेल्फ एंड वही काफ़ी होगा। डोंट वरी कि लोग आपको अटैक करेंगे, उन्हीं की बातें उठा करके उनको दे मानना, यू आर अलाउड, बट देन दूसरे क्या सोचेंगे,
या अटैक होने के या जज होने के डर से अपने डेस्टिनी को फुलफिल करने में या अपने आप को फुल पोटेंशियल में आने से अपने आप को मत रोको। हर बार असेंशन से पहले मुझे घबराहट होती है, बस पूरा बॉडी जब वाइब्रेट करता है ना, हर बार मुझे एक अजीब सी घबराहट होती है। मुझे पता होता है कि मेरी एनर्जी चेंज होने वाली है और मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ एंड हाँ, बॉडी पेन्स भी होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। एक अलग ही लेवल पे डेप्थ पे जाने से पहले अजीबोगरीब फीलिंग्स आते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, बट देन इट्स ऑल वर्थ इट, इट्स ऑल वर्थ इट। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।